हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फेशियल वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगी। काफ़ी दिन से आप मुझसे पूछ रहे थे कि कोई एक ऐसा फेशियल बता दीजिए जो ब्राइडल और नॉर्मल हम लोग अगर करना चाहें तो कर सकें और जिससे बहुत अच्छा ग्लो आए स्किन पर और बहुत ही अच्छा हो वो हमारी स्किन के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लोटस हर्बल का रेडिएंट गोल्ड फेशियल। गोल्ड फेशियल काफ़ी अच्छे होते हैं। हम लोग जब भी गोल्ड फेशियल के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों को एकदम से ख्याल यही आता है कि गोल्ड फेशियल जो होता है उसका ग्लो बहुत अच्छा होता है और ब्राइडल के लिए भी बेस्ट होता है। अगर आप लोगों की शादी होने वाली है तो ब्राइडल के लिए गोल्ड फेशियल बहुत बेस्ट होता है और हम लोग रेगुलर में भी करा सकते हैं। मतलब हम लोग 15 से 20 दिन में रिपीट करा सकते हैं अपने फेशियल को। और किस तरीके से हम करेंगे, ये जो फेशियल है ये 4 स्टेप किट है। इसके अंदर आप लोगों को 4 स्टेप मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा क्लिंजिंग स्क्रब, उसके बाद मिलेगा आपको जेल, उसके बाद मिलेगी मसाज क्रीम और उसके बाद मिलेगा आपको पैक। तो ये 4 स्टेप किट है, काफ़ी अच्छी किट लगी मुझे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लिंजिंग स्क्रब। आप लोग देख सकते हैं फेस को पहले हमें क्लीन कर लेना है और नॉर्मल वाटर से हम लोगों को अपना फेस पहले क्लीन कर लेना है। और आप चाहें तो इसको घर पर भी आराम से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पार्लर में भी जाकर करा सकते हैं। ये हर जगह अवेलेबल होता है और काफ़ी अच्छी किट है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोटस के सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे फेशियल पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को स्क्रबिंग अपने फेस पर 5 मिनट करनी होती है। स्क्रब करने से क्या फ़ायदा है, स्क्रब करने का ये फ़ायदा होता है कि ये वैसे भी क्लिंजिंग स्क्रब है। तो क्लिंजिंग स्क्रब जो होता है ना वो हमारी स्किन को बहुत अंदर तक डीप क्लीन करता है, हमारी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारी स्किन में एक रेडिएंट ग्लो लेकर आता है और हमारी स्किन को जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या कोई डेड स्किन या सनबर्न, इस तरीके की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो स्क्रब से ठीक हो जाती है। तो 5 मिनट हमें स्क्रब करना है और ये फेशियल हम मंथ में 2 बार करा सकते हैं 15-15 दिन के गैप में, काफ़ी अच्छा होता है। और अगर ब्राइडल इसकी सिटिंग लेना चाहती हैं तो वो भी 15 से 20 दिन में अपना फेशियल रिपीट कराना चाहिए। इसके बाद स्क्रब कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम लोग आए हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप है इसका गोल्ड जेल, जो 24 कैरेट गोल्ड डस्ट से बना हुआ है और काफ़ी अच्छा गोल्ड जेल है। ये बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही क्रीमी वाला टेक्स्चर है इसका और बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है। जब ये फेस पर आपके लगाया जाता है तो उस टाइम पर ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है और फेस पर एक बहुत अच्छा सा एक ग्लो लेकर आता है। जेल के साथ में हम लोगों को पानी कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, जेल हम लोगों को प्योर अपने फेस पर लगाना चाहिए और जितनी देर में भी वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए उतनी देर तक आप उस मसाज करिए उसकी अच्छे से, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फेस पर एक बहुत ही अच्छा सा रेडिएंट गोल्ड ग्लो लेकर आएगा ये, जो मुझे काफ़ी पसंद आया। जेल जितने भी होते हैं वो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जेल होना किट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी फेशियल करा रहे हैं तो उसके अंदर अगर जेल नहीं है तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है फेशियल का, बट अगर जेल होता है तो जेल क्योंकि स्किन के अंदर बहुत इजीली पेरिटेट हो जाता है और ये जो जेल है इसके अंदर तो वैसे भी 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है तो उसकी वजह से ये आपकी स्किन पर बहुत फ़ायदा करता है और आपकी स्किन पर एक गोल्ड वाला ग्लो लेकर आता है। Thank you.
अब आ गए हम लोग थर्ड स्टेप पर, जो है मसाज क्रीम। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप होता है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लोटस हर्बल के सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, नॉन केमिकल ब्रांड है लोटस हर्बल, और इसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और इन सभी फेशियल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और लोटस के मैंने काफ़ी और काफ़ी अच्छे अच्छे फेशियल जो है उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो एक बार बाय करके ज़रूर देखिएगा। और इस टाइम काफ़ी ऑफर्स भी अच्छे अच्छे चल रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सस्ता पड़ने वाले हैं ये सभी फेशियल किट, तो आप लोग एक बार बाय करके देखिएगा। और अब आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो मसाज हम कर रहे हैं मसाज क्रीम से, ये हमें 5 से 10 मिनट करनी होती है, और इसको भी हमें अपनी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करना है। कम से कम पानी यूज़ कीजिए, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं कीजिए। और लोग अपने फेस को स्टीम भी दे सकते हैं, क्रीम के अंदर हम लोग टाइटनिंग के स्टेप भी डाल सकते हैं। मैं 30+ हूँ तो मैं अपने फेस पर टाइटनिंग के स्टेप भी डलवाऊंगी, बट वो आप क्रीम के अंदर ही डालें। बाकी जो जितने भी स्टेप होते हैं, जैसे कि अगर आप जेल कर रहे हैं, जेल पर आप लोग टाइटनिंग के स्टेप नहीं डाल सकते, स्क्रब पे भी आप लोग टाइटनिंग के स्टेप नहीं डाल सकते, स्किन छिल सकती है। तो ये जो स्टेप हैं ये ओनली फॉर आप क्रीम के अंदर ही करें, और क्रीम की जो मसाज है वो कम से कम 10 मिनट जरूर करें अपने फेस पर। और अब आप देख सकते हैं इस टाइम पे हम लोग स्टीम दे रहे हैं। तो ये जो स्टीमर है, इसके लिए मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्टीम देना क्या फेस के लिए सेफ होता है। तो ये जो स्टीमर है, इससे अगर आप अपने फेस को स्टीम देते हैं तो बहुत सेफ़ है, क्योंकि ये बहुत ही हीट वाली फीलिंग नहीं आती है इस वाली स्टीम से, बहुत नॉर्मल सी हीट आपके फेस तक पहुंचती है, क्योंकि ये काफ़ी दूर से दी जा रही है। हम लोग जो बहुत पास से स्टीम देते हैं अपने आप को, वो गलत होती है स्किन के लिए। और ये जो स्टीम है ये ओनली फॉर आपको क्रीम के स्टेप में ही दी जाएगी, क्योंकि जब आप इस स्टीम को देंगे है वो आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और स्टीम से हमारे फेस पर जितनी भी डेड स्किन होती है वो काफ़ी अच्छे से फूल जाती है, तो वो बहुत अच्छे से रिमूव भी हो जाती है, और हमारी जो क्रीम है वो स्किन के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती है। वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वाली जो प्रॉब्लम है वो भी हमारी जो है वो स्टीम ठीक करती है। बट स्टीम हमें इसी तरीके से देनी है, काफ़ी दूर से, ओनली फॉर भाप की तरीके से, और ओपन। हमें कोई भी टॉवल वगैरह से कवर नहीं करना है, किसी भी तरीके से हमें अपनी स्किन को कवर नहीं करना है। पूरे आप क्रीम वाला जो स्टेप है उसमें आप इस तरीके से स्टीम देते देते मसाज करिए, तो आपके फेशियल का जो ग्लो है वो बहुत ही अच्छा आएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और 5 से 10 मिनट हमें क्रीम की मसाज करनी है, और उसके बाद हम लोगों को फेस को जो है वो क्लीन कर देना है। और इसके बाद हम लोग करेंगे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव, तो वो हमें एक पिन से करना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है ना, जब हम लोग स्टीम के साथ में मसाज करते हैं क्रीम की, तो बहुत इजीली फूल जाते हैं ये, और बहुत इजीली निकल जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, और इतना ज़्यादा पेन वगैरह भी नहीं होता। पेन उसके होता है जिसके ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। बट जो लोग रेगुलर फेशियल कराते हैं उन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है, और उनके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे, फोर्थ स्टेप स्टार्ट करेंगे हम लोग, और वो है मास्क। तो हम लोग देखिए इस तरीके से मास्क को एक बाउल में निकाल लेंगे, और ब्रश की हेल्प से हमें अपने फेस पर ये लगा लेना है। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है। और पैक को लगा के हमें कम से कम 5 से 10 मिनट छोड़ देना है, जितनी देर में ये हमारे फेस से ड्राई हो उतनी देर में हम लोग इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद देखेंगे आपके जो पैक है वो हमारी स्किन को रिलैक्स करता है। क्योंकि हम लोग जिस टाइम पे पैक लगाते हैं तब हमें उस टाइम पे आई पैड ज़रूर यूज़ करने चाहिए। आई पैड क्या होता है, आई पैड एक कॉटन पैड होते हैं जिसके ऊपर आप लोग गुलाब जल से स्प्रे करके, रोज़ वाटर जो आता है उससे स्प्रे करके आप अपनी आँखों के ऊपर लगाइए। ये काफ़ी सारे फ्लेवर में आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि कुकुम्बर में मिल जाएगा, काफ़ी सारे फ्रूट फ्लेवर में ये मिल जाते हैं स्प्रे। तो मैं रोज़ वाटर यूज़ कराती हूँ, तो इस तरीके से मैंने जो है वो आँखों के ऊपर इसको लगवा के और छोड़ दिया है। इसको लगाने का बहुत फ़ायदे होते हैं, ये हमारे डार्क सर्कल को कम करता है, हमारी जितनी देर भी हमने अपने पैक लगाया है उतनी देर हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छे से रिलैक्स करती है, और हमारी आंखों को बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मिलता है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं करा रही हूँ बैक। बैक में हम लोगों को स्क्रबिंग ही करनी होती है, और स्क्रबिंग जो है वो हमें 5 मिनट करनी है बैक में। फेशियल का ये भी एक बहुत ही अहम पार्ट है,
हम लोग कभी भी अगर फेशियल करा रहे हैं, पार्लर पे करा रहे हैं या घर पे अपना खुद का भी कर रहे हैं, तो हम लोगों को बैक को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हम लोगों को बहुत अच्छे से 5 मिनट कम से कम अपने बैक में मसाज करनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बैक जो है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और आपके फेशियल जो है उसका ग्रेस ही अलग आता है। आप लोगों को खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपका फेस भी क्लीन हो गया, आपकी बैक भी क्लीन हो गई, तो आप लोगों को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग 5 से 10 मिनट हो गए थे तो पैक जो है वो ड्राई हो गया था, तो मैंने अपने पैक को रिमूव करा लिया है और हम लोगों को नॉर्मल वाटर से ही उसको रिमूव कराना होता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो फेशियल का ग्लो आया है, वाओ अमेजिंग ग्लो है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा गोल्ड ग्लो आया है मेरी स्किन पर। तो अगर ये फेशियल आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इस तरीके से ही आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। और मेरे 2 चैनल और भी हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा चौधरी और वंशिका चौधरी के नाम से, तो अगर आप चाहें तो उन पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।